Hello all students, in this video we shall going to learn शब्द और पद में अंतर. और सबसे पहले हम उसमें संज्ञा यानी कि नाउंस के बारे में पढ़ेंगे. तो शब्द और पद में अंतर क्या होता है? शब्द और पद में यानी कि शब्द यानी कि जो अक्षरों से बनता है, जो वर्ण से बनता है उसे शब्द कहते हैं, और जो शब्दों से बनता है सारे शब्द जो बनते मिलते हैं तब उससे एक पद बनता है. जैसे कि यहाँ पे एक लड़की है वो एक शब्द है, पर अगर हम लड़की खाना खा रही है तो वो पूरा एक पद या पूरा एक वाक्य बन गया. पद में प्रयुक्त शब्दों में भेद भी होता है. अब पद के भेद या तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है, इन सब से हम पद और जो है शब्द में हम भेद कर सकते हैं. तो सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा में किस शब्दों को अलग अलग हम उसमें भेद कर सकते हैं, अलग डिफरेंस दिखा सकते हैं. तो सबसे पहले तो संज्ञा क्या है, तो परिचय में दिया गया है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है शम प्लस ज्ञान, यानी के अर्थात कि समग्र ज्ञान कराने वाल. अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाला शब्द को संज्ञा कहते हैं. यानी कि उसका मेन जो उसका सम्यक है, उसका मेन संज्ञा है, उसे जब भी हम जान लेते हैं तो उसे हम संज्ञा कह सकते हैं. संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम, यानी कि नाउंस. उसका नाम है वो क्या आइडेंटिफाई करता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संज्ञा दी गई है. तो अंततः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम के नाम को संज्ञा कहा जाता है. यानी कि अगर सिंपल एंड शॉर्ट में कहें तो संज्ञा यानी किसी भी चीज़, व्यक्ति, गुण का, स्वभाव का, मूल्य का नाम, उसे हम कहेंगे संज्ञा. उसका महत्व क्या है संज्ञा का? तो संज्ञा शब्दों के बिना भाषा बन ही नहीं सकती. जब हम कोई भी बात कहते करते पूछते हैं तो अनजाने से संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग करते हैं. यानी कि हम जो भी बोलते हैं उसमें हम संज्ञा, कई सारी संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं, अलग अलग तरह से करते हैं. उदाहरण के नियमित लिखित वाक्यों में, यानी कि यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, मोहन कोलकाता में निवास करता है. मोहन एक संज्ञा है, कोलकाता भी एक संज्ञा है, निवास भी एक संज्ञा है. तो ये तीनों संज्ञाएँ हैं जिससे एक पद बना है, और ये सारे शब्द जो है वो एक नाउन है, नाम है. तो मोहन, कोलकाता, निवास, ये सारे संज्ञाएँ हैं जिससे हमने पूरा पद बनाया. गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है. गंगा है ना, हिंदू, नदी, ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं जिससे ये पद बनता है. गाय एक उपयोगी पशु है. गाय और पशु दोनों क्या है? संज्ञाएं हैं. बुढ़ापा दुआओं का घर है और यौवन आनंद का. बुढ़ापा, दुआ, घर, यौवन, आनंद, ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं. अब संज्ञाओं के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे. तो संज्ञा के भेद और संज्ञा के तीन भेद माने जाते हैं. कौन कौन से? पहले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा. व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. जैसे कि कोई भी विशेष व्यक्ति है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल दिए है, अगर आपको एग्जांपल से समझ आएगा ज़्यादा अच्छे से, तो देख गौतम बुद्ध है, वो विशेष व्यक्ति है, उनका नाम प्रचलित हो चुका है. तो गौतम बुद्ध यानी एक गौतम बुद्ध. जवाहरलाल नेहरू, तो एक ही जवाहरलाल नेहरू, वो विशेष व्यक्ति है. सीता है, मीरा है, संतोष है, प्रियंक है, शुरभि है, ये सारे नाम है जो व्यक्ति को एक अलग आइडेंटिटी देते हैं, वो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में ले सकते हैं. ऐरावत यानी हाथी, कपिला यानी गाय, सोना यानी हिरनी, ये सब एक नाम दिए गए हैं किसी भी प्राणी को. तो जो नाम देते हैं किसी व्यक्ति विशेष, नाम हम किसी को नाम दे रहे हैं तो वो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे. दिल्ली, अमेरिका, भारत, मद्रास, आसाम, ये सारे स्थानों के नाम भी हम विशेष स्थान के रूप में ले रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में समावेश करते हैं इन सबका. भगवद गीता, कावेरी, रामायण, पुराण, नीलगिरी, ये सब वस्तुओं और नदियों के नाम हैं जो हम
व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही इसका समावेश करेंगे। फिर आगे है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता है, यानी कि हम सिर्फ कहेंगे हाथी, तो ये नॉर्मल एक जाति है हाथी की। हिरण तो एक नॉर्मल जाति है, उसमें हिरण को कोई नाम नहीं दिया गया कि जैसे आगे हमने नाम पढ़ा ऐरावत हाथी का, तो यहाँ पे कोई हाथी का नाम नहीं है, सिर्फ जाति है हाथी। तो इस तरह से कोई भी, अगर हम कहते हैं कि मीरा, पर मीरा एक नाम है, पर जब हम उसको जाति से बोध करते हैं, एक नारी है, तो नारी क्या है? एक जाति है, तो उसको हम बोलेंगे मीरा एक नारी है। तो नारी एक क्या हो गया? जातिवाचक विशेषण हो गया। उन्हें जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं, जैसे कि मनुष्य है, नर है, नारी है, ग्रंथ है, पर्वत है। पर्वत है, कौन सा पर्वत है नहीं बताना है, पर्वत है, इसीलिए इसकी जाति है पर्वत। नदी है, फिर झरना है, पुस्तक है, फल है, नगर है, प्रांत है, देश है आदि, इन सबको हम जातिवाचक संज्ञा में समावेश करेंगे। ये सब शब्द पूरी जाति के परिचायक है, किसी एक मनुष्य, एक नर, एक ग्रंथ या एक प्रांत के आदि नहीं है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का भी सम्मिलित किया जाता है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है जातिवाचक में द्रव्यवाचक और समूहवाचक को इनको दोनों को समा लिया है इसने। तो किस तरह से द्रव्यवाचक में क्या होता है? द्रव्यवाचक किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाला शब्दों को द्रव्यवाचक कहते हैं। कोई भी द्रव्य है, पानी है, सोना है, चांदी है, कोई भी ऐसी चीज है जिन्हें हम गिन नहीं सकते, उसको हम द्रव्यवाचक में समझेंगे। जैसे कि सोना है, चांदी है, उन मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, पर जिसको हम जो है द्रव्य में भी उपलब्ध है, जैसे कि सोना, चांदी है, ऊन है, लकड़ियां है, भी तांबा है आदि, पानी है, इन सबको हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जो समूह को आइडेंटिफाई करता है, जैसे भीड़ है, तो भीड़ का कोई नाम नहीं है, जैसे भीड़ है, पर्टिकुलर किसी इंसान का नाम नहीं दिया, यहाँ पे पूरी एक जो पीपल, जो सारे व्यक्तियों का एक जो इकट्ठा हुए है जहाँ, उसको पूरी भीड़ नाम दे दिया गया है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। परिवार है, वो भी समूहवाचक संज्ञा है। जुलूस है, सेना है, कक्षा है, ये सारे कक्षा में सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अलग अलग नाम देते हैं, तब हम व्यक्तिवाचक कहेंगे। पर हम पूरी क्लास को एक करके जब कक्षा बोलते हैं, तो हम क्या उसको भाववाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। फिर तीसरी और आखिरी है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? गुण है, दिशा है, स्वभाव है, भाव है, किसी भी चीज़ का परिस्थिति है, स्थिति है, उसको हम भाववाचक संज्ञा में सम्मिलित करेंगे। जैसे कि गुण है तो चौड़ाई है, लंबाई है, चतुरता है, दशा है तो बुढ़ापा है, यौवन है, फिर भाव है तो आशा, स्वार्थ, क्रोध, शत्रुता, इन सबको हम भाववाचक में करेंगे। कार्य है तो सहायता है, प्रशंसा है, सलाह है, ये सारे जो है हम इस सबको भाववाचक में सम्मिलित करेंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग, कभी कभी क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का हम जातिवाचक संज्ञा है उसमें प्रयोग करते हैं, तो किस तरह से? कई बार क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कि विभीषणों से बचो, विभीषणों से बचो, इन्हीं छह चंपों के कारण देश पराधीन हुआ, नेताजी के बलिदान से धरती पर अनेक सुभाष पैदा हो गए, यानी कि यहाँ पे विभीषण है, जयचंद है, सुभाष है, क्रमशः गर्भेदियों, गद्दारों और क्रांतिकारियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि ये नाम है वो पूरे क्रांतिकारी दल को सम्मिलित कर रहे हैं। गर्भेदियों को, गद्दारों को अगर जो है आइडेंटिटी दे रहे हैं, तो ये जो नामवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो भी भाववाचक जातिवाचक संज्ञाओं में गिनी जाएंगी। अगर कोई व्यक्ति है, उसको हम एक मास उसके नाम के जब हम रेफर कर रहे हैं उसका नाम, तो पूरी जब एक भीड़ को दिखा रहे हैं, एक पूरे दल को दिखा रहे हैं जब हम, तब हम उसको जाति को दिखा रहे हैं, किसी को ग्रुप को दिखा रहे हैं एक व्यक्ति के अकॉर्डिंग, तो वो हम व्यक्तिवाचक में से जातिवाचक में हमने उसको रूपांतर किया, ऐसा कहा जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में, अभी कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में भी प्रयोग होता है, जैसे कि उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे,
महात्मा जी अहिंसात्मक आंदोलन का पक्ष लिया। शास्त्री जी भारत के यशवी प्रधानमंत्री थे, यानी कि यहाँ पे पंडित जी जो है सभी पंडित जो पंडितों को रिफर कर रहे हैं। यहाँ पे पंडित नेहरू के लिए प्रेरित किया है हुआ है, महात्मा जी महात्मा गांधी के लिए रिफर हुआ है, शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री के लिए रिफर हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग जो संज्ञाएं हैं अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज होती है, और हम सारे जो शब्द या बोलते हैं कोई भी पद तो उसमें हम बहुत सारी संज्ञाओं का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जो आपको याद रखना है वो ये है कि इनसे कितने प्रकार हैं और कौन कौन सी संज्ञा में कौन कौन से जो है शब्द या फिर कौन कौन सी भाव आ सकते हैं। तो हमारा जो संज्ञा था नाउन का जो पूरा टॉपिक है वो यहीं पर कम्प्लीट होता है। आगे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नाइस डे, थैंक यू एंड टेक केयर।